कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस के मौजूदा हाल पर बड़ा बयान दिया है। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि पार्टी संघर्ष के दौर से गुजर रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र में होने जा रहे चुनाव में पार्टी के जीतने की संभावना ही नहीं है। वहीं भारत के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि न केवल आगामी राज्य विधानसभा चुनाव बल्कि कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसे स्तर पर पहुँच गई है कि ये अपना भविष्य तय नहीं कर सकती है। उधर सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस से लगातार नेताओं को छोड़ने का सिलसिला जारी है। मई में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब उससे उबरने में काफी देर लगा दी है। उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में एक साथ इसका विश्लेषण नहीं किया गया कि क्यों लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। हमारी सबसे बड़ी समस्या रही कि हमारे नेता ने पद छोड़ दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद एक खालीपन जैसा है। सोनिया गांधी ने दखल दिया लेकिन साफ संदेश है कि वो एक अस्थायी व्यवस्था के तौर पर हैं। ऐसा नहीं चाहता, उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि राहुल गांधी इस्तीफा दे। मेरी राय थी कि वो पद पर रहे। मैं मानता हूँ कि कार्यकर्ता भी यही चाहते थे कि वो बने रहें और नेतृत्व करें। सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी के पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के हार स्वीकार करने के रूप में पेश किया है। पात्रा ने कहा कि अब कांग्रेस के पास न होता न नेता है, न नीति है और न ही नियत है। राहुल गांधी छोड़ गए और सोनिया गांधी सिर्फ फौरी इंतजाम देख रही है। इधर असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की आलोचना की है कि मॉब लिंचिंग पश्चिमी तरीका है। भागवत ने कहा कि देश को बदनाम करने के लिए इसका भारत के परिपेक्ष में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि मॉब लिंचिंग पीड़ित भारतीय हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि भागवत मॉब लिंचिंग रोकने के लिए नहीं कर रहे हैं। हैदराबाद से सांसद ने कहा कि पीड़ित भारतीय हैं, दोषियों को किसने माला पहनाई थी, किसने उन्हें लपेटा था। हमारे पास गोडसे प्रेमी बीजेपी सांसद है। मॉब लिंचिंग पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस दिन भागवत एकजुटता के संदेश का पालन करने लगेंगे उसी दिन मॉब लिंचिंग और नफरत जैसी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दशहरे के अवसर पर अपने कार्यकर्ताओं से माफी मांगी है। उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो सीटें जो गठबंधन की वजह से छूट गई हैं, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं को संतोष करना पड़ा है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि गठबंधन को लेकर कहा कि शिवसेना किसी के सामने झुकती नहीं है, समझौता गठबंधन का एक अंग है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस एनसीपी के विलय पर एनसीपी ने इनकार कर दिया है। एनसीपी की तरफ से किसी भी संभावना से इनकार कर दिया गया है। कांग्रेस एनसीपी के विलय पर सुशील कुमार शिंदे ने बयान दिया है कि एनसीपी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। शिंदे के इस बयान पर एनसीपी ने अपनी यथास्थिति साफ कर दी है। आखिरकार भारत को पहला फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को शस्त्र पूजा करने के साथ ही डसॉल्ट कंपनी से पहले राफेल विमान को रिसीव किया। इसी के साथ भारत आसमान में और भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। हालांकि भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने में राफेल विमान को अभी लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तो भारतीय वायुसेना के जवानों की ट्रेनिंग शुरू होगी। भारत फ्रांस से कुल 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद रहा है। 36 विमानों में से 4 विमानों की पहली किस्त मई 2020 तक भारत को मिलेगी और यह विमान हिंदुस्तान की धरती पर पहुंचेगा, लेकिन इसके बाद इस्तेमाल में लाने में भी इसे समय लगेगा और फरवरी 2021 तक जाकर यह विमान पूरी तरह से ऑपरेशनल होंगे। भारतीय वायुसेना के 36 विमान मिलने हैं, उनके भारत पहुँचने की डेडलाइन 2022 है।
कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के राफेल विमान रिसीव करने पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आखिर इसे रक्षा मंत्री ने क्यों रिसीव किया, ये काम वायुसेना ही कर सकती थी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक नया लड़ाकू विमान है जो हमें मिल रहा है। इस सरकार के साथ यही दिक्कत है कि काम करने के साथ नाटक ज्यादा करती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकटॉक उम्मीदवार के रूप में चर्चा बटोरने वाली सोनाली फोगाट ने भारत माता की जय को लेकर दिए गए अपने बयान पर खेद जताया है। सोनाली फोगाट ने अपनी सफाई में कहा है कि वो सिर्फ उन युवाओं को ये समझाना चाहती थी कि देश के सम्मान में भारत माता की जय बोलना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी भावना को ठेस पहुंचती है तो वो माफी मांगती है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के राजस्थान में शराबबंदी लागू करने की चुनौती देने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो ये सिद्ध कर दें कि गुजरात में शराब आसानी से नहीं मिलती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर वहां शराब आसानी से मिलने की बात साबित हो जाए तो रूपाणी को सियासत छोड़ देनी चाहिए। राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष रामविलास वेदांती ने एक और विवादित बयान दिया है। रामविलास वेदांती ने कहा कि कट्टर मुस्लिम चाचा शादियां करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं और अपनी पत्नियों को तलाक दे देते हैं, बाद में उनके बच्चे आतंकवादी बन जाते हैं। वेदांती कार्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बोल रहे थे। वेदांती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की तुलना भगवान राम से की है। उन्होंने कहा है कि दोनों लोगों ने जम्मू कश्मीर पर उसी तरह विजय प्राप्त की जिस तरह त्रेता युग में भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। वेदांती ने उम्मीद जताई कि 17 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का निर्णय आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में आस्था रखते हैं, जो भी निर्णय आएगा उसका सम्मान करेंगे। इतना ही नहीं, वेदांती ने कहा कि 70 सालों से कश्मीर में कुछ कांग्रेस के गद्दार नेताओं की वजह से आतंकवाद फलता फूलता रहा है। उन्होंने अयोध्या जमीन मामले में मुस्लिम पक्षकार रहे कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल पर आरोप लगाया है कि पाकिस्तान से आतंकवादी उन्हें फंडिंग करते हैं, इसी कारण कपिल सिब्बल मंदिर मुद्दे को खींच रहे हैं। इन दिनों पीलीभीत में बंदरों ने जमकर आतंक फैला रखा है। एक बंदर कोतवाली के अंदर घुस आया, जब तक लोग कुछ समझ पाते बंदर कोतवाल के सिर पर चढ़कर बैठ गया। इसके बाद आधे घंटे तक कोतवाली का नजारा ये रहा कि कोतवाल चुपचाप काम करते रहे और उनके सिर पर बैठा बंदर आराम से जुए ढूंढता रहा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद पूरे शहर में कोतवाल और बंदर की चर्चा हो रही है। अमेरिकी हवाई हमले में ढेर हुआ अलकायदा का भारतीय उपमहाद्वीप का कमांडर मौलाना असिम उमर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। वहीं असिम उमर सितंबर में अफगानिस्तान में हुई अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारा गया था। उमर उत्तर प्रदेश के संभल जिले का रहने वाला था, जहां वो सना उल हक उर्फ सन्नू के नाम से जाना जाता था। वो संभल के दीपा सराय इलाके में रहता था, लेकिन 1990 के दशक के आखिरी दौर में वो पाकिस्तान चला गया था। पटना के मनेर में हल्दी छपरा गांव के पास एक नाव अचानक नदी में पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। नाव में बालू लदा था जिस पर चार लोग सवार थे, लेकिन गंगा में तेज बहाव के चलते नाव नदी में डूब गई। बता दें कि पटना सिटी के क्षेत्र में बड़ी देवी जी कार्यक्रम हुआ था, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु ने भाग लिया। वहीं इस दौरान भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई, जिसमें कई महिलाएं भी घायल हो गई हैं। घटना के बाद प्रशासन ने सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। राजस्थान के धौलपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। 10 लोग विसर्जन के दौरान नदी में डूब गए। हादसा धौलपुर के महनपुरा गांव में हुआ है। बताया जा रहा है कि लोग दुर्गा पूजा करने के बाद चंबल नदी में विसर्जन के लिए गए थे। इस दौरान नदी में एक युवक डूबने लगा, जिससे बचाने में एक के बाद एक 10 लोग नदी में डूब गए। यूपी के संभल में चोरों ने स्टेट बैंक को निशाना बनाया है। सुरंग बनाकर बैंक में घुसने की कोशिश की है। बैंक में चोरी की सूचना से हड़कंप मच गया। मौके पर एसपी सहित भारी संख्या बल पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यूपी के कासगंज में पोस्ट ऑफिस के एजेंट ने खाता धारकों को लाखों का चूना लगाकर फरार हो गया है, जिसको लेकर आरडी खाता धारकों में हड़कंप मच गया। वहीं इस मामले पर कोतवाली प्रभारी ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खाता धारकों का थाना परिसर में हुजूम
मामला कोतवाली सोरो के कस्बे का है। यूपी के सिद्धार्थ नगर में खड़ी कार में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई है। बताया जा रहा है कि रोड पर किसी ने जमा कचरा जला दिया। कचरे की आग की चिंगारी उड़ते उड़ते खड़ी कार तक जा पहुंची और जब तक कोई कुछ कर पाता तब तक कार धुनू करके जलने लगी। घर के लोग अपनी जान बचाकर बाहर निकले। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के करावल नगर में रसोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट से मातम पसर गया है। सिलेंडर फटने से दो महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स की हालत नाजुक है। गंभीर रूप से घायल राजेश को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। ये घटना पूर्वी दिल्ली के करावल नगर के सभापुर इलाके की बताई जा रही है। सिलेंडर फटने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। वहीं फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। राजस्थान के झालावाड़ में एक ही परिवार के चार लोगों की संदिग्ध हालत में मौत को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। वहीं परिवार का मुखिया घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने जहर खिलाने के बाद रस्सी से गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई है। मध्य प्रदेश के देवास में खेड़ा खजूरिया में तालाब में डूबने से पांच लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अवैध खनन के दौरान खोदी गई पानी की तलाई में गांव के बच्चे नहाने गए थे। अचानक बच्चे पानी में डूब गए। बच्चों के शव निकालकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के चीफ क्रिस्टालिया जॉर्जिएवा ने आर्थिक सुस्ती को लेकर चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुस्ती देखी जा रही है, जिसके कारण 90% देशों की विकास की रफ्तार धीमी रहेगी। तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के कारण भारत में सबसे ज्यादा इसका असर देखा जाएगा। आईएमएफ के मुख्यालय में इसकी नई प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिया जॉर्जिएवा ने कहा है कि साल 2019 में हमें लगता है कि दुनिया के 90% देशों में ग्रोथ रेट सुस्त रहेगी। वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था अब सुस्ती के दौर में है, जिसका असर भारत में सबसे ज्यादा है। दिवाली तक आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। दरअसल पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार आ रही गिरावट इस बात का संकेत दे रही है। पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल करीब 1 रुपए तक सस्ता हो गया है। अब दिवाली तक 3 और 5 रुपए तक सस्ता होने की उम्मीद जताई जा रही है। SBI ने ग्राहकों को दिवाली का तोहफा दिया है। कल से SBI का होम ऑटो और पर्सनल लोन सस्ता होगा। बैंक ने छठी बार ये ब्याज दरें घटाई हैं। फेस्टिवल के मौके पर ग्राहकों को ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए बैंक ने सभी अवधि के लिए MCLR की दरें 0.10% तक घटा दी हैं। अब एक साल के लिए नई MCLR दरें 8.15% से घटकर 8.5% पर आ गई है। सोने के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। इस वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार धनतेरस पर सोने की खरीदारी में 50% तक की कमी आ सकती है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी के मुताबिक हर साल धनतेरस के दिन देश में 40 टन सोने की बिक्री होती है। कीमतें बढ़ने और इम्पोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी का असर सोने की वजह सोने के आयात में भी गिरावट दर्ज की गई है। इस त्योहारी सेल पर लग्जरी कार बनाने वाली जर्मन की कंपनी मर्सिडीज बेंच ने मुंबई, गुजरात और देश के दूसरे शहरों में एक दिन में 200 से ज्यादा कारों की डिलीवरी की है। कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में कहा है कि उससे दशहरा और नवरात्र पर बुक की गई अलग अलग मॉडल की 200 से ज्यादा कारों की डिलीवरी एक ही दिन में की गई है। अकेले मुंबई में 125 से ज्यादा कारों की डिलीवरी की गई है, जो अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। वहीं गुजरात में उसने 74 कारों की डिलीवरी नवरात्र पर की है। इस त्योहारी सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजॉन एक बार फिर बम्पर सेल शुरू करने जा रही है। इससे पहले नवरात्र में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने द ग्रेट इंडियन ऑफर और बिग बिलियन सेल से लगभग दोगुना मुनाफा कमाया था। अब दिवाली से पहले एक बार फिर दोनों ही कंपनियां बम्पर सेल ला रही हैं। अमेजॉन की सेल 17, 13 और 17 अक्टूबर तक चलेगा, वहीं फ्लिपकार्ट के सेल की तारीख अभी फिक्स नहीं हुई है।
अमेरिका ने चीन के शिनजियांग प्रांत के मुस्लिमों को हिरासत केंद्र में रखे जाने का लेकर चीनी अधिकारियों के वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के मुताबिक उइगुर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रखे जाने के लिए जिम्मेदार चीनी अधिकारियों और नेताओं के लिए वीजा बैन कर दिया गया है। इन अधिकारियों और नेताओं के परिवार के सदस्यों की भी यात्रा पर बैन लागू होगा। अमेरिकी चीन के रिश्ते पहले से ही ट्रेड वॉर की वजह से तनावपूर्ण चल रहे हैं और इस नए कदम में दोनों ही देशों के बीच टकराव और बढ़ सकता है। नॉर्वे में हो रहे पर्यावरण के दो दिवसीय सम्मेलन में उत्तराखंड की रिद्धिमा भी अपनी आवाज उठाएंगी। वह सम्मेलन में पर्यावरण और विकास विषय पर मन की बात करेंगी। इस सम्मेलन के लिए रिद्धिमा मंगलवार को ही नॉर्वे पहुंची। देहरादून के रायवाला की रहने वाली रिद्धिमा पांडे पर्यावरण पर लगातार अपनी आवाज उठाने के लिए चर्चाओं में रहती है। हाल ही में दुनिया के उन 16 बच्चों में रिद्धिमा का भी नाम आया जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अर्जेंटीना, टर्की, जर्मनी, फ्रांस और ब्राजील के खिलाफ याचिका दायर की है। इस याचिका में इन बच्चों ने पर्यावरण और बाल अधिकार की मांग की है। पोलैंड में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक बम को डिस्पोज करने के दौरान दो सैनिकों की मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हुए। डिफेंस मिनिस्टर मरियूज ब्लास्जाक के मुताबिक ये बम उस वक्त फटा जब सैनिक उसे डिफ्यूज करने में जुटे थे। पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों पहले ही जंगल में राहगीरों को कई हथियार और बम मिले थे, इन्हें रख लिया गया था और एक यूनिट को इन्हें डिफ्यूज करने का जिम्मा दिया गया था। अमेरिका में सीनेट इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष और डेमोक्रेटिक सीनेटर मार्क वार्नर ने जम्मू कश्मीर पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में लोगों की आवाजाही और संचार पर लगे प्रतिबंधों के कारण व्यथित है। वार्नर ने भारत सरकार से अपील की है कि वह प्रेस, सूचना और राजनीतिक भागीदारी की आजादी को लेकर लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करे। फिजिक्स में साल 2019 के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस बार 3 लोगों को भौतिक विज्ञान में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें जेम्स पीबल्स को ब्रह्मांड विज्ञान पर नए सिद्धांत रखने के लिए जबकि मिशेल मेयर और डीडीएर केलोज को सौर मंडल से परे एक और ग्रह खोजने के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या फिलहाल लोअर बैक इंजरी की वजह से क्रिकेट से ब्रेक पर हैं। हाल ही में पांड्या को सर्जरी लंदन में हो चुकी है और वो व्हीलचेयर के सहारे चल रहे हैं। हार्दिक ने अपने इंस्टाग्राम पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो व्हीलचेयर के सहारे चलते नजर आ रहे हैं। उन्हें खड़े होकर चलने में काफी दिक्कत महसूस हो रही है। खेल को लेकर चर्चा में रहने वाले ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अब अपने ट्वीट की वजह से चर्चा का विषय बन गए हैं। दरअसल टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान के जन्मदिन पर उन्होंने जहीर को बधाई देते हुए इस तरह के ट्वीट किया कि ट्रोल हो गए। हार्दिक ने बधाई देते हुए लिखा, जन्मदिन मुबारक हो जैक, मुझे उम्मीद है आप भी गेंद को मैदान से बाहर मारेंगे जैसे कि मैंने यहाँ किया। इस बात पर फैंस ने कहा कि उनका अहंकार उनको ले डूबेगा। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने इन दिनों की क्रिकेट और टॉप क्रिकेटर्स पर अपनी राय रखी है। वॉन ने कहा कि इस दौर में महेंद्र सिंह धोनी सीमित ओवर्स फॉर्मेट में बेस्ट कैप्टन रहे हैं। उन्होंने कहा कि धोनी जबरदस्त रणनीतिकार हैं और आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भारतीय टेस्ट टीम के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे को मजेदार अंदाज में पिता बनने की बधाई दी है। रहाणे हाल ही में बेटी के पिता बने हैं और बेटी के साथ अपना फोटो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। इस फोटो में उनकी पत्नी राधिका भी नजर आ रही हैं। इस ट्वीट पर कमेंट करते हुए सचिन ने रहाणे कपल को बधाई दी है और साथ में मजेदार कमेंट भी लिखा है। सचिन ने अपने कमेंट में लिखा, राधिका और अजिंक्य आपको ढेर सारी बधाई, नाइट वॉचमैन के रूप में डायपर बदलने वाले नए रोल के जमकर मजे लो।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट पुणे में 10 अक्टूबर से खेला जाएगा। पहले टेस्ट के दौरान पिच काफी चर्चा में रही है और अब पुणे के पिच को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। वहीं हालांकि टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने साफ कर दिया है कि भारतीय टीम पिच की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। साथ ही उन्होंने पहले टेस्ट में तेज गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच मिसबाह उल हक श्रीलंका के खिलाफ जारी टी20 सीरीज में टीम के प्रदर्शन से काफी नाराज हैं। श्रीलंका ने 3 मैचों की टी20 सीरीज से पहले और दूसरे मैच में मेजबान पाकिस्तान को पूरी तरह से हरा दिया है। इन तीनों ही जीत के साथ ही श्रीलंका सीरीज में बढ़ती विजय भी बना ली है। मिसबाह ने टीम के बल्लेबाजों से कहा कि वो बाबर आजम पर निर्भर होकर मैच न खेले। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने अपनी अपकमिंग फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन की शूटिंग को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद तुरंत बाद एक्ट्रेस ने ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल के बायोपिक की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाल ही में फिल्म से परिणीति चोपड़ा का फर्स्ट लुक सामने आया है। वो इस समय बैडमिंटन की नॉन स्टॉप ट्रेनिंग ले रही है। कुछ समय पहले परिणीति चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म की तैयारियों से जुड़ी कुछ तस्वीरें शेयर की थी। करीना कपूर को इंडस्ट्री में करीब 20 साल होने जा रहे हैं। अपने इस सफर को करीना शानदार मानती हैं। उन्हें लगता है कि वो एक्टिंग के सिवाय और कोई काम नहीं कर सकती। एक इवेंट में करीना ने अपने लंबे करियर पर कहा कि 20 साल काफी शानदार रहे हैं। बेहतरीन लोगों के साथ काम करने का ये सफर बहुत अच्छा रहा। मैंने अभिनय के लिए ही जन्म लिया है और मुझे उम्मीद है कि मैं मरते दम तक अभिनय करती रहूंगी। बी टाउन में कई भाई बहन की जोड़ियां हैं जिनके बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। इन्हीं में से एक टाइगर श्रॉफ और कृष्णा श्रॉफ की जोड़ी है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली दोनों भाई बहन अक्सर एक साथ ही अपनी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। हाल ही में टाइगर श्रॉफ ने एक इंटरव्यू में बहन कृष्णा श्रॉफ के साथ रिश्ते को लेकर बात की है कि एक्टर ने कहा कि उनके पास बहन से छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। बॉलीवुड हंक विकी कौशल को एक चीज से बहुत डर लगता है और इस वजह से उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म को लेने से पहले भी सोच में पड़ गए थे। विकी ने बताया कि उन्हें हॉरर फिल्में देखने से बहुत डर लगता है। वो ऐसी फिल्में देखने से कतराते हैं। फिल्म द स्काई इज पिंक के रिलीज से पहले प्रियंका चोपड़ा इसके प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। भारत में प्रमोशनल इवेंट्स ओवर होने के बाद अब फिलहाल यूएस में इसे प्रमोट कर रही हैं। मूवी प्रमोशन के दौर से वो अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई बातें शेयर करती दिखाई दे रही हैं। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक निक के साथ फैमिली स्टार्ट करने का एक सवाल का जवाब देते हुए प्रियंका ने कहा कि वो अब इंतजार नहीं कर सकती। वो फैमिली स्टार्ट करने के लिए बेकरार है। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर अपना दम बॉक्स ऑफिस पर जमकर दिखा रही है। फिल्म ने दशहरे के मौके पर करीब 27 करोड़ की कमाई कर ली है जो कि मंगलवार को इतनी ज्यादा कमाई के मामले में ऐतिहासिक है। हर दिन की कमाई पर नजर डालें तो इस फिल्म ने सबसे कम 20 करोड़ की कमाई की है जो पहले सोमवार को रही।